खबरों को लेकर कोई समझौता नहीं, खबर वो जिसका हो असर। सीधी क्षेत्र की खबर पाने के लिए जुड़े रहें द थर्ड आई के साथ। सीधी जिले में एक बार फिर से अवैध अतिक्रमण पर कार्यवाही की गई है, जहां पर सीधी जिले के ग्राम पंचायत क्षेत्र भनवारी जो कि बहरी थाना अंतर्गत आता है, यहां पर अवैध अतिक्रमण को हटा दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नक्शे में दर्ज शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किए हुए थे, जहां पर भनवारी में यह पूरी घटना एक दबंग के द्वारा की जा रही थी। जैसे ही इसकी जानकारी ग्रामीणों को लगी, ग्रामीणों ने एक साल पहले उस पर शिकायत कर दी थी, लेकिन उसके बाद भी वह अपनी दबंगई पर अड़ा रहा और उसने अपना अतिक्रमण नहीं हटाया, जिस पर उन्होंने तहसीलदार आंचल गहरी को लिखित रूप में शिकायत दी गई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए आज अब प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है। आपको बता दें कि प्रशासन ने इसे हटाने के लिए सहजता से पहले प्रयास किया, लेकिन आपको बता दें कि वह दबंग सड़क पर ही लेट गया। जेसीबी और उसके सामने तहसीलदार की गाड़ी खड़ी हुई थी, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। घंटों तक यह ड्रामा चला, उसके बाद पुलिसकर्मी आए और उसे उठाकर दूसरी तरफ कर दिया। इसके बाद प्रशासन का बुलडोजर चल गया और लगातार कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि जमीन पर जैसे ही लेटा वह और उसकी पत्नी ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया था। अतिक्रमण हटाते ही आसपास के ग्रामीण भी इकट्ठे हो गए और अतिक्रमण की कार्रवाई को सही ठहराने लगे। नगावत सरपंच जो बने हुए हैं, उप सरपंच, उनके अलावा गांव के आलाधिकारी मौके पर पहुंच गए और जेसीबी से द्वारा अतिक्रमण हटा दिया गया है। क्या नाम हो आपको? विनय कुमार द्विवेदी नाम है हमारा। ये बहुत दिनों से, लगभग 20 वर्ष से यह रोड अतिक्रमण से ग्रसित थी। कहाँ, किस स्थान पर रोड ग्रसित? ये थी बैजनाथ द्विवेदी के घर से रमाकांत द्विवेदी के घर तक। ये रोड कई बार, एक हमारे यहाँ चौबे जी हैं, ये एवं कुछ द्विवेदी अपना परिवार है, इनके द्वारा ये रोड अतिक्रमण से पूरी तरह ग्रसित थी, जिसमें कई बार आवेदन देने के बाद प्रकरण चला और तहसीलदार मैडम एवं समस्त संबंधित विभाग के कर्मचारी, वर्तमान सचिव आए और अतिक्रमण में रिकॉर्ड के अनुसार अतिक्रमण हटाया गया। उसमें कुछ समस्याएं आई, हमारे यहाँ के वर्तमान जो चतुराए कुछ अभद्रता पूर्वक पेश हुई, लेकिन किसी न किसी तरह से शालीनता से कर लिया गया और सुचारू रूप से।